तो आपको स्वराज एक्सप्रेस में मैं हूँ आपके साथ ऋतु गर्मनी, और लगातार जिस तरह से आपको बता दें मतगणना शुरू हो चुकी है और बेमेतरा के देवकर नगर पंचायत में भाजपा को बहुमत मिली 8 वार्ड पर भाजपा और 6 पर कांग्रेस जीती, 1 वार्ड में निर्दलीय की जीत बताई जा रही है। तो आपको बता दें नगर पंचायत देवकर में भाजपा को बहुमत मिली है, बेमेतरा के देवकर नगर पंचायत में भाजपा को बहुमत मिली है 8 वार्ड पर भाजपा और 6 पर कांग्रेस जीती है, 1 वार्ड में निर्दलीय की जीत बताई जा रही है। नगर पंचायत देवकर में भाजपा को बहुमत मिली है। आपको बता दें मुंगेली में 10 वार्डों पर कांग्रेस आगे चल रही है, भाजपा 7 वार्डों पर आगे चल रही है और जोगी कांग्रेस 1 पर आगे है, निर्दलीय 3 पर आगे है। मुंगेली में 10 वार्डों पर कांग्रेस आगे चल रही है, भाजपा 7 वार्डों पर आगे चल रही है आपको बता दें, और वहीं जोगी कांग्रेस 1 पर आगे चल रही है, निर्दलीय 3 पर आगे है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष तिवारी रायपुर से लाइव जुड़े हैं। आशीष, क्या कुछ अभी तक के अपडेट्स, क्या कुछ रुझान निकल करके सामने आ रहे हैं? 10 आशीष, अभी तक के क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं, क्या कुछ रुझान अभी तक सामने आ पा रहे हैं? क्या नाम है एंकर? आशीष सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है, शायद तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा। तो आपको बता दें लगातार जिस तरह से सुबह से ही मतगणना शुरू हो चुकी है और कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस आगे चल रही है, निर्दलीय भी कहीं कहीं आगे चल रही है। वो बता दें लगातार मतगणना चल रही है और आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अभी तक के रुझान क्या कुछ निकल करके सामने आ रहे हैं, अपडेट्स अभी तक के? एंकर की आवाज नहीं आ रही है, तकनीकी खामियों की वजह से हमें हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें लगातार जिस तरह से मतगणना शुरू हो चुकी है और काउंटिंग शुरू हो गई है, आपको बता दें बैलेट पेपर से इस बार चुनाव हुआ था, तो बता दें शाम को देर तक ये मतगणना चलेगी और शाम को सारे रुझान जो है निकल करके सामने आएंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट्स अभी तक के, क्या कुछ रुझान अभी तक का निकल करके सामने आए हैं? आशीष सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें शुरुआती दौर से ही स्वराज एक्सप्रेस जो है लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। उस दिन भी आपको सारी चीजें अपडेट्स दिखाई थी जिस तरह से वोटिंग हुई थी, और तभी से लेकर अगर हम देखें तो प्रत्याशी जो हैं इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, और वो दिन आ गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुनील कुमार रामानुजगंज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ अभी तक के अपडेट? जी, मैं बताना चाहूंगा कि रामानुजगंज नगर पंचायत की गिनती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, जिसमें कि 7 भाजपा के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, वहीं 5 कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीता है, और साथ में देखा जाए तो निर्दलीय 3 प्रत्याशी ने विजय हासिल की है, और वहीं बलरामपुर नगर पंचायत में 8 कांग्रेस के प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके हैं और 4 भाजपा के प्रत्याशी, और बलरामपुर नगर पालिका में भी 3 प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में जीत कराए हुए। कितने अगर हम देखें तो निर्दलीय प्रत्याशी कितनों से आगे चल रहे हैं और क्या क्या अब उनका कहना था, जिस तरह से आप पहुंचे होंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपने की है और जिस तरह से 3 सीटें आप बता रहे मिली है, क्या कुछ चीजें उनकी उनका कहना था?
निर्दलीय प्रत्याशी का कहना है कि हमने निर्दलीय और वो भी जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भाजपा के बागी होकर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे और अभी उनका कहना है कि हम जब जीत कर आए हैं तो हम भाजपा में ही शामिल होंगे। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रायपुर स्टूडियो से लाइव हमारे साथ आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी तक के क्या कुछ अपडेट्स और क्या कुछ रुझान निकल करके सामने आ रहे हैं? देखिए, अपडेट्स तो यही है कि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तकरीबन जो 542 वार्ड है नगर निगम क्षेत्रों में, वहां पर 150 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के जो पार्षद उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और 105 वार्डों में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन एक बीच महत्वपूर्ण जो जानकारी है, ये जानकारी ये है कि निर्दलीय बड़ी तादाद में जीत कर आ रहे हैं। लेकिन इसके पहले ब्रेक पर जाने के पहले, इस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि बड़ी तादाद में जो नगर पालिका और नगर पंचायत के क्षेत्र हैं वहां पर बीजेपी ने अपना दम दिखाया है, यानी उन क्षेत्रों में बीजेपी ने दम दिखाया है जहां पर यह माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस की सरकार के कामकाज के एवज में जनता का बड़ा समर्थन कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में जाएगा। क्या लगता है, ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को जिस तरीके से रूरल डेवलपमेंट के नाम पर कांग्रेस ने कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं तो उसका इंप्रेशन निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा, लेकिन पंचायत में, ज्यादातर पंचायतों में बीजेपी के अब तक के रुझान में जो बढ़त मिल रही है, बीजेपी को बढ़त मिल रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जो बड़े शहरी क्षेत्र हैं वो वहां पर ये माना जाता था कि भाजपा के परंपरागत वोटर वहां पर ज्यादा होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस जो है वो अपना प्रभाव छोड़ती है। और जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में देखने में आया था कि ग्रामीण क्षेत्रों से कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था, कांग्रेस के जो घोषणा पत्र में जो बातें शामिल थी उन बातों के पक्ष में जो है ग्रामीणों ने एक तरफा वोट किया था कांग्रेस को, जिसके चलते भारी भरकम बहुमत कांग्रेस का आया था। और अभी भी जिस तरह से सरकार के एक साल के कामकाज में पूरा का पूरा फोकस जो है ग्रामीण विकास पर किया गया था, नरवा गरवा घुरवा बारी पे किया गया था, और उससे ये लग रहा था कि जो नगर पंचायत वाले क्षेत्र हैं जहाँ के ज्यादातर लोग गांव से रिलेटेड होते हैं और कृषि कार्यों से संबंधित ज्यादा होते हैं, तो उम्मीद यही थी। लेकिन पिछले दिनों हमने जब डिबेट में भाजपा प्रवक्ताओं से पूछा था तो उन्होंने बार बार ये दावा किया था कि धान खरीदी को लेकर जिस तरह से अव्यवस्थाएं हैं और जिस तरह से किसानों में नाराजगी है उसका रिफ्लेक्शन जो है नगरीय, जो नगर पंचायत क्षेत्र है खासतौर पर, वहां पर दिखाई देगा, इस बात का दावा बार बार भाजपा के प्रवक्ताओं ने किया था। तो शायद यही बातें जो है उनके दावे में कहीं न कहीं सच्चाई जरूर। हालांकि बताते चलें कि यहाँ पर नगर पंचायत के ये रुझान है, अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं और इसे अंतिम आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए। वैभव, क्या अपडेट आपके पास? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि राजधानी रायपुर में जो महापौर है प्रमोद दुबे वो पीछे चल रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी से पीछे चल रहे हैं। ये खास बात चौंकाने वाली खबर है। और रायपुर में जितने भी महापौर पद के जो दावेदार हैं, जो प्रमुख चेहरे हैं, वो सब पीछे चल रहे हैं, चाहे बीजेपी से संजय श्रीवास्तव हो, सूर्यकांत राठौर हो, या कांग्रेस से ज्ञानेश शर्मा हो, या श्री कुमार मेनन हो, या फिर आप प्रमोद दुबे की बात कर लीजिए। तो ये वो चेहरे, बड़े चेहरे जिन पर सबकी निगाहें हैं, और ये सारे वो चेहरे हैं जो कि छोटे चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो महापौर बन सके। अब वही पीछे चल रहे हैं तो इससे समझा जा सकता है कि क्या स्थिति इस चुनाव में है। निर्दलीय धक्का लगा होगा इन लोगों को, जाहिर तौर पर बहुत बड़ा धक्का लग सकता है अगर वो हारते हैं तो। और इस वक्त जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं उसमें तो यही दिख रहा है कि निर्दलीय एक तरीके से भारी पड़े हैं, चाहे वो बागी के रूप में हो या फिर स्वतंत्र रूप में वो लड़े हो चुनाव। इसके मद्देनजर यही कहा जा सकता है कि फिलहाल स्थिति जो है दोनों दलों के लिए निर्दलियों के मुकाबले राजधानी रायपुर में अच्छा नहीं कहा जा सकता, अच्छी स्थिति नहीं है, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, खासतौर से बड़े चेहरों के लिए। चलिए लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल उस जानकारी को भी साझा करने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।